या इस बार इंडियन मूवी को ऑस्कर मिलेगा या नहीं, इन दिनों ये सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि जलीकट्टू के ऑस्कर में बाहर होने से अब लोगों की निगाहें एक और इंडियन शॉर्ट मूवी पर टिकी हैं, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, जिसका नाम है बिट्टू। ये एक शॉर्ट मूवी है जिसकी लेंथ लगभग 17 मिनट है और इसे लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है। शॉर्ट मूवी बिट्टू एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी में दो लड़कियों के बीच प्यारी सी दोस्ती दिखाई गई है और पहाड़ों पर रहने वाले बच्चों के जीवन पर आधारित फिल्म में पहाड़ों की पृष्ठभूमि दिखाई गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शॉर्ट मूवी बिट्टू को, तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम दो बच्चियों को देखते हैं जो वहाँ कुछ लोगों का मनोरंजन करते हुए हमें दिखाई देती है, जिनका नाम होता है बिट्टू और चांद। वो उन लोगों को शायरी और गाने सुनाकर उनका मनोरंजन करती हैं, जिससे उन्हें वो लोग कुछ पैसे दे देते हैं। अब ये दोनों वो पैसे आपस में बांट लेती हैं। अब हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों और उनके साथ कुछ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ एक टीचर इन सब बच्चों की केयर करता है। अब हम यहाँ देखते हैं स्कूल की प्रिंसिपल को, जहाँ उनका बेटा चावल का एक बोरा लाता है जो फटा हुआ होता है और उसके चावल जमीन पर गिर जाते हैं। तब उसकी माँ जो प्रिंसिपल होती है वो कहती है कि वो इस बोरी के पैसे नहीं देगी। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ वो टीचर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है, जहाँ वो सभी बच्चों को इंग्लिश में बोलने को कहता है, पर बिट्टू ऐसा नहीं करती और उसका टीचर उसे कहता है कि अगर क्लास में रहना है तो इंग्लिश में ही बात करना होगी। तब वो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स कहती है जिससे वहाँ बच्चे हंसने लगते हैं और उनके साथ चांद भी हंसती है। तब बिट्टू गुस्सा हो जाती है और तब वो टूटी फूटी इंग्लिश में ब्रेक मांगती है और टीचर उनको ब्रेक दे देता है। अब वहाँ से बिट्टू इंक की बोतल चुरा लेती है और अब हम देखते हैं स्कूल की मेड को जो वहाँ खाना बनाती है और वो गोदाम में जाकर तेल का डब्बा लाती है खाना बनाने के लिए। अब इधर बिट्टू और चांद में मामूली झगड़ा हो जाता है और तब बिट्टू चांद के कपड़ों पर वो इंक फेंक देती है और तब वो टीचर आकर बिट्टू को डांटता है और दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाता है, जहाँ प्रिंसिपल बिट्टू को सजा देती है कि अगर वो सॉरी नहीं कहेगी तो आज का खाना उसे नहीं मिलेगा और उसको बाहर बिठा देती है और कहती है कि तुम वहाँ मुर्गा बनो। वो मेड प्रिंसिपल के पास आती है और उस तेल के बारे में बताती है कि इसमें से बहुत बदबू आ रही है और वो इससे खाना नहीं बना सकती। तब प्रिंसिपल उससे कहती है कि ये सरसों का तेल है और इससे ही खाना बनेगा। अब बिट्टू भी उस मेड के पास बैठ जाती है और उसकी मदद करती है। अब वो टीचर आकर बिट्टू से कहता है कि माफी मांग ले और खाना खा ले वरना बाद में खाना नहीं मिलेगा, पर फ्रेंड्स बिट्टू नहीं मानती और वो मेड कुछ सामान लाने के लिए बिट्टू को कुछ पैसे देती है और कहती है कि बचे हुए पैसों से खाना खा लेना। और बिट्टू सामान लेने निकल पड़ती है और रास्ते में उसे कुछ लोग डीजे पर नाचते हुए दिखाई देते हैं और वो उनके साथ नाचने लगती है। अब तभी स्कूल की प्रिंसिपल उसे भागते हुए दिखाई देती है और वो प्रिंसिपल गोदाम जाती है, जहां वो अपने बेटे से पूछती है कि उस डब्बे में क्या था जो मेड लेकर गई। तब वो बताता है कि उसमें खेत में डालने वाली दवाई थी। तब प्रिंसिपल कहती है कि हमें यहाँ से अब निकलना होगा। अब बिट्टू स्कूल जाती है और चांद को ढूंढती है, जहाँ वो देखती है कि सभी बच्चे मरे हुए हैं और उनकी लाशें वहीं स्कूल में पड़ी हैं। और फ्रेंड्स, ये सब होता है उस जहरीली दवा के कारण जिसको मेड तेल समझकर उससे खाना बनाती है और वही खाना वहाँ के बच्चे खा लेते हैं। और वहाँ बिट्टू अब चांद को देखती है जो मर चुकी होती है। अब तभी वहाँ टीचर और कुछ लोग स्कूल में आते हुए हमें दिखाई देते हैं और बिट्टू बाहर मदद के लिए जाती है और एक कार रोकती है। और फ्रेंड्स, ये शॉर्ट मूवी यही एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, फिल्म को डायरेक्ट किया है करिश्मा दवे दुबे ने। इस शॉर्ट फिल्म को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया है। अपनी अच्छी स्टोरी और किरदारों की बेहतरीन एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया है। 2021 की शुरुआत में बॉलीवुड के मशहूर निर्माता एकता कपूर ने गुनीत मोंगा, ताहिरा कश्यप और रुचिका कपूर के साथ मिलकर इंडियन वुमन राइजिंग नाम का सिनेमा सामूहिक लॉन्च किया। लॉन्च के तुरंत बाद ही सभी ने मिलकर ये मूवी बिट्टू बनाई। बिट्टू अब तक 18 से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी है। ये फिल्म लंदन फिल्म फेस्टिवल से लेकर टेलुराइड, पाम स्प्रिंग शॉर्ट फेस्ट, होली शॉर्ट्स में दिखाई जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब इंडियन मूवी के ऑस्कर लेने का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मूवी बिट्टू की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आपसे मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।